हाय फ्रेंड, दिस इज सूरज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, कैसे भरना है, कहाँ क्या भरना है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे सिंपली क्रोम के गूगल पे हैं, गूगल पेज पे। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे AKTU लॉगिन या AKTU ERP। तो हमने सर्च किया है यहाँ पे AKTU लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला दिख रहा है AKTU लॉगिन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारा यहाँ पे आ रहा है ERP लॉगिन। तो ERP लॉगिन में हमें पूछ रहा है यूजर ID, पासवर्ड और I am not robot पे क्लिक करके सिंपली हम लॉगिन करेंगे इसे। और यूजर आईडी में दोस्त अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड में डालना है AK0, उसके बाद से कॉलेज कोड और उसके बाद से ब्रांच कोड और उसके बाद से ब्रांच कोड के बाद TU। इस बात को समझिएगा ध्यान से एक बार। AK डालने के बाद से AK0, उसके बाद से कॉलेज कोड, ब्रांच कोड, उसके बाद TU, ये पासवर्ड होता है। अगर पासवर्ड आप नहीं भर पा रहे हैं, फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे देखिए पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दे रहा है लॉगिन के नीचे। तो इस पे सिंपली क्लिक करके हम इसको पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे, उसके बाद से इसको लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम सिंपली इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपली से दोस्त लॉगिन करने के बाद से हम आ गए हैं AKTU स्टूडेंट्स पोर्टल पे। इस पोर्टल पे देखिए दिखा रहा है माई प्रोफाइल UIIC डैशबोर्ड, और इस तरीके से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड। तो इस पर हम सिंपली से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद से देखिए हमारा ये फॉर्म खुल चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म डैशबोर्ड खुल चुका है। तो इस पर कब से स्टार्ट है, कब तक डेट है, तो ये यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल 2020, यानी कल के डेट में ये स्टार्ट हुआ है। और इन डेट दिखा रहा है 13 अप्रैल, यानी कि 30 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। एक्शन यहाँ पे 0 दिखा रहा है, एक्शन क्या है ये देख लीजिए। तो एक्शन है दोस्त यहाँ पे लेट फाइन। अगर इस 30 तारीख के बाद अगर इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ाइन देना पड़े, हो सकता है नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको समय से पहले भर लेना है, यानी कि 13 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो सिंपली से हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो गो पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है हमें कि काइंडली अपडेट योर रिज्यूमे ऑन बिलो लिंक देन फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी कि ये सिर्फ सेमेस्टर सेकेंड वाले बच्चों को दिखा रहा होगा, क्योंकि उनका अभी तक अगर रिज्यूम अपलोड नहीं हुआ है, जिस कैंडिडेट का है ये, उसका शायद रिज्यूम अपलोड नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे कि पहले आप अपना रिज्यूम अपलोड करिए, उसके बाद से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए हम सिंपली से इस रिज्यूम को पहले फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ फिल रिज्यूमे पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ देखिए रिज्यूम खुल चुका है। तो रिज्यूम खुल चुका है तो यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ नीचे देखिए 4 सेक्शन दिया गया है, पर्सनल डिटेल, रिज्यूम डिटेल, सेमेस्टर डिटेल और प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल। तो इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद से सिंपली हम यहाँ पे सबमिट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है। तो पर्सनल डिटेल में हमें भरना है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, मदर नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, माता जी आपके क्या करती हैं, मदर्स टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है, उसको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी हो आपका मदर्स टंग उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद से यहाँ है लैंग्वेज नोन यानी कि कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं तो उसको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से नीचे है कि ग्रॉस फैमिली मंथली इनकम यानी कि आपके पूरे फैमिली का मंथली इनकम क्या है तो उसको यहाँ पे भरना है। हाँ दोस्त यहाँ ध्यान रखिएगा, मंथली इनकम है, ईयरली इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टोटल फैमिली मेम्बर्स आपके परिवार में कितने लोग हैं, इस चीज़ को भरना है। होम टाउन यानी कि आपका घर जो है किस टाउन के नज़दीक पड़ता है तो इसको इस चीज़ को भरना है। नीचे हम देखते हैं तो लिखा है इज फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि क्या आप शारीरिक रूप से किसी तरीके का विकलांगता तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो और है तो इसमें यस करके, और क्या है तो फिजिकली चैलेंज टाइप में इसको दिखाना होगा हमें। नीचे दिया है हमारा मेलिंग एड्रेस यानी कि मेलिंग एड्रेस में होता है कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस आपने पहले से फिलअप किया है तो अगर इसमें कोई गलती है तो इसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज़ फिल द एड्रेस करेक्टली यानी कि आपको ये बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि हमारा जो मार्कशीट आने वाला है इसी मेल एड्रेस पे आएगा, मेलिंग एड्रेस पे आप, ठीक है। तो इस एड्रेस को बिल्कुल करेक्ट भरिए, ठीक है।
तो आगे हम देखेंगे रिज्यूम डिटेल। अभी हम पर्सनल डिटेल देख रहे थे, रिज्यूम डिटेल में आएंगे। रिज्यूम डिटेल में यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें यस या नो अपने हिसाब से भर सकते हैं। इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़, क्या आप इस कोर्स के बाद यानी कि बीटेक वगैरह जो कर रहे हैं आप, इसके बाद से आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से इसको भी यस नो भर लीजिएगा। ड्रीम कंपनी यानी कि प्लेसमेंट, आप किस कंपनी में, आपकी क्या ड्रीम है, किस कंपनी में प्लेसमेंट होना प्लेस होना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी को सिंपली भर लेना है। एनी स्किल, क्या आपके पास कोई स्किल्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्किल में भर लेंगे। एनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्या आपके पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है क्या, तो अगर है तो यहाँ पे उस सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है प्लेस्ड इन अ कंपनी इफ़ एनी, यानी कि आपने इससे पहले किसी कंपनी में काम वगैरह किया है, यहाँ पे सिंपली उस कंपनी के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो सेमेस्टर डिटेल है। सेमेस्टर डिटेल में यहाँ से पूछा जा रहा है सेमेस्टर यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर डिटेल ना, तो आपने पिछला कौन सा सेमेस्टर पास आउट किया है, तो ये इवेंट सेमेस्टर का फॉर्म है दोस्त, तो 1, 3, 5 और 7 आपने पास किया होगा इसमें से कोई, तो हमने 1 पास किया है, तो सिंपली यहाँ पे 1 क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स बैकलॉग्स सॉरी, तो परसेंटेज क्या थे उसमें वो भर देने हैं। नंबर ऑफ बैकलॉग यानी कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, तो उसको यहाँ पे भरना है। क्लियर बैकलॉग यानी कि आपने कितने बैक लगे हैं, उन बैक में से कितने आपने क्लियर कर चुके हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे तो अभी तक तो कोई क्लियर नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे 0 दिखाएंगे क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नहीं है। नंबर ऑफ बैकलॉग यानी कि आपका कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है उसको यहाँ पे सिंपली भर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल। तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल में दोस्त यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे एग्जामिनेशन स्कूल स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन स्टेट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, गैप ईयर ऑफ द सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है उसमें कोई गैप है क्या, अगर आपने 12th या 10th में अगर गैप हो तो उस गैप को भी यहाँ पे हम दिखाएंगे, 1 ईयर 2 ईयर जिस तरीके से आपका गैप होगा उसको दिखाएंगे। और इस कोर्स में आपने नंबर ऑफ बैकलॉग्स, क्या इसमें भी बैकलॉग हैं, बैक हैं तो बैक होंगे तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि हाँ इस इतने इतने सब्जेक्ट में बैक हैं और कितने क्लियर हुए हैं, या क्या उस बैकलॉग को हमने क्लियर कर पाया है, अगर क्लियर कर पाया है तो यहाँ पे लिखिए, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद सिंपली ऐड पे हम क्लिक करके इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्त, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल में ना यहाँ पे 10th और 12th दोनों का डिटेल देना होगा। पहले आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे सबसे नीचे 10+2 और 10th दे रहा है, तो हम 10th पे सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 10th का पूरा डिटेल भरेंगे। पूरा डिटेल भरने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा 10th का पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। फिर से ये ऊपर वाला फॉर्म हमारा ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाए तो फिर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 10+2 दे रहा है तो 10+2 पे क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पे 10+2 का सारा डिटेल भरने के बाद से फिर से हम सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो 12th का भी ऐड हो जाएगा। जो भी ऐड होगा वो नीचे दिखा रहा होगा हमें, ठीक है, तो उसको देखते रहिएगा और ऐड करिए। और सिंपली ऐड करने के बाद से हम अब सबमिट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिज्यूम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो रिज्यूम जैसे सबमिट होगा तो हमारा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या देता है। यहाँ एक चीज़ और दोस्त, अगर जिन बच्चों ने अभी रिज्यूम जो अपलोड किया है और उस रिज्यूम में कोई मिस्टेक्स हो गई हैं और उसको फिर से रीअपलोड करना चाहता है, फिर से री भरना चाहता है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि लॉगिन करके फिर से AKTU स्टूडेंट पोर्टल पे आना है, और यहाँ पे जो माई प्रोफाइल दिखा रहा है, फिर नीचे दिखा रहा है UIIC डैशबोर्ड, तो इस पर हम सिंपली से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है रिज्यूम बिल्डर, तो रिज्यूम बिल्डर पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे जो हमने रिज्यूम अभी भरा है वो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल, रिज्यूम डिटेल, सेमेस्टर डिटेल, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल, इस तरीके की डिटेल अभी हमने भरा, और इसमें अगर आपको मिस्टेक हो गया है तो यहाँ से सिंपली से आप ऐड फिर से इसको एडिट कर पाएंगे, तो एडिट करके यहाँ से और फिर से यहाँ पे हम सबमिट रिज्यूम पे कर देंगे तो पुराना वाला हट करके ये नया अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपडेट कर लेंगे अगर मिस्टेक्स हो जाते हैं तो, और विदाउट इसको करेक्शन आप फॉर्म फिलअप ना करिए कि हो सकता है कि शायद ये फिर से अपडेट ना हो पाए, तो पहले इसको बिल्कुल अच्छे तरह से रिज्यूम भरने के बाद ही हम फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हाँ तो दोस्त, जैसे ही हम रिज्यूमे अपना अपलोड कर लेते हैं तो हम फॉरवर्ड हो जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म पे, यानी कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही खुलता है तो इसमें हमारा फिर से रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, इस तरीके का चीज़ दिखाई जा रही है। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स है तो इसको फिर से करेक्शन कर लीजिए आप, ठीक है।
तो इन सभी चीज़ों को करेक्शन करने के बाद से हमारा यहाँ पे नीचे दिखा रहा है आधार यूआईडी कोड। तो यूआईडी यानी कि आधार नंबर आपका 12 डिजिट का यहाँ पे भरना है, और नीचे दिखा रहा है आधार ईआईडी। तो ईआईडी कोड क्या होता है दोस्त, सिंपली आपका आधार इनरोलमेंट नंबर, आधार पे एक इनरोलमेंट नंबर होता है ना 14 डिजिट का, तो उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और उसके बाद से यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है जो अभी हमने रिज्यूमे में भरा हुआ है, मेलिंग एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा होगा। और उसके बाद से परमानेंट एड्रेस और ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपने अगर चेक कराया है तो ब्लड ग्रुप भरिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट दिखाने लगा। कई बच्चे बोल रहे थे कि दोस्त यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, तो अब देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, नीचे हम देखेंगे तो कैरी ओवर सब्जेक्ट दिखा रहा है, यानी कि जिन बच्चों का बैक लगा है तो वो यहाँ पे भरेंगे। और इसी फॉर्म भरने के बाद से नीचे ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो इसको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, जिनका बैक होगा। और सिंपली नीचे हम जाएंगे तो मुक्स कोर्सेज दे रहा है कि अगर आप NPTEL पे कोई मुक्स कोर्स किए हैं तो उसको भी यहाँ पे हमें सिंपली से ऐड करना होगा। और ऐड करने के बाद से जो ईमेल आईडी हमने NPTEL में दिया है उसको ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और ऐड मुक कोर्स में कर लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे इसको। और उसके बाद से यहाँ देखिए दे रहा है कि हैव यू रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन आरोग्य सेतु ऐप। तो ये गवर्नमेंट द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए एक ऐप बनाया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, रजिस्टर्ड किया है आपने अपने को इस पर। तो अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो येस, और नहीं किया है तो इसको छोड़ देंगे, पहले रजिस्टर कर लेंगे फिर इसको येस करके और सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसको हम ऐड यहाँ से ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके करेंगे। तो यहाँ सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का ये फॉर्म खुल नहीं रहा है अभी, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो AKTU का, इसलिए ये फॉर्म नहीं खुल पा रहा। देखिए ऐसे ब्लैंक हो जा रहा है ऐड सब्जेक्ट करने के बाद से। और यहाँ से कैरी ओवर का भी सब्जेक्ट अभी तक खुल नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों को शायद AKTU अभी इम्प्रूव करे, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो जैसे ही ये खुलना शुरू होता है, ओपन होना शुरू होता है, तो हम न्यू वीडियो डाल देंगे। और यहाँ से कुछ है नहीं दोस्त, सिंपली जब हम ऐड सब्जेक्ट पे करेंगे ना, तो हमारा सब्जेक्ट जो जो है, जो सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है उस सब्जेक्ट को कोड वाइज है, तो कोड वाइज इसमें दिखाया जाएगा, तो उसको ऐड कर लेंगे सिंपली। और ऐड करने के बाद से सिंपली से कैरी ओवर का भी सब्जेक्ट इसी तरीके से ऐड कर लेंगे, और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ऐड कर लेंगे तो उसमें दिखाएगा। तो हम इसमें अभी समझा नहीं पा रहे हैं आपको, तो जैसे ही ये ओपन होना शुरू होता है तो हम आपको फिर से एक न्यू वीडियो के साथ इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।